पुरानी पेंशन की बहाली की मांग, हाईकमान के आदेश पर होगा धरना। यूपी के जनपद हापुड़ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के विभाग व प्रत्यय कार्यकारिणी द्वारा जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको सुनवाते हैं स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिंजा चौधरी ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। हमने अपनी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सभी विभागों के माध्यम से ये ज्ञापन गया है, किसी एक विभाग का नहीं है, जो हमारी देशव्यापी ज्ञापन ये गया है। वीपी मिश्रा जी जो हमारे देश में वो हैं, इसेप्स के अध्यक्ष हैं और प्रांत कार्यकारिणी के आह्वान पर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसमें हमारी विभिन्न मांग है, जैसे कि पुरानी पेंशन बहाली को लेके हमारी मांग है और आउटसोर्सिंग संविधा ये ख़त्म होना चाहिए या संविधा पर एक नियमित नियमावली बननी चाहिए कि संविदा कर्मचारियों को भी नियमितीकरण उनका हो, उनका शोषण ना हो। सरकार इस चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करे, हम कर्मचारियों की समस्याओं को सुने और ग्रेड पे को लेके भी हमारी मांग है। जो हमारा समूह गे का जो ग्रेड पे है, जैसे एनम वगैरह का है, जो 2000 का है उसको 2800 की हमारी मांग है। जो फार्मासिस्ट हैं उनका भी 2800 का इस समय है, उनका 4200 को लेके मांग है। और ऐसे ही शिक्षा विभाग में सभी विभागों की ग्रेड पे को लेके मांग है। और सबसे जो हमारी मांग है वो पुरानी पेंशन को लेके है, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। हम अपनी जो पूरी जीवन काल है हमारी, जो एक तरीके से हम अपनी जवानी जो सरकार के कामों में अपनी वो करते हैं, उसका हमें फल नहीं मिलता। सरकार ने जो पुरानी पेंशन ख़त्म करी है उसे दोबारा से लागू किया जाए, हमारी ये मांग है। सरकार एक वेतन आयोग का भी गठन करे तो बहुत ही अच्छा होगा, उससे कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और हमारी जो समस्या है उनका समाधान होगा। जो हमारे समय समय पर भत्ते हैं उन्हें वो समय पर नहीं मिलते, काफ़ी टाइम बीत जाता है, वो समय पर नहीं मिलते, उनका बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, उसके लिए भी हमारी मांग है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो जो भी प्रांतीय कार्यकारिणी का आदेश होगा, जिस तरीके से भी उनका आदेश होगा, हम उसी तरह से जिले में हड़ताल वगैरह करेंगे। अभी वैसे सुनने में आ रहा है मसाल जुलूस का हमारा, अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।